यस, गुड मॉर्निंग पीपल, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। आप लोगों के एग्जाम चल रहे हैं और होप सो एग्जाम बहुत अच्छे जा रहे होंगे और आप सब लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो मैं आपको ये बताने वाला हूं कि सर डायरेक्ट टेक्स्ट को कैसे रिवाइज करना है, एग्जाम से पहले क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए और कैसे आपको डायरेक्ट टेक्स्ट को पढ़ना है। तो मैं आपको यहां पे प्लानिंग देने वाला हूं। तो सबसे पहली चीज बता दो, इस बार मुझे पता चला कि आपका पेपर नंबर जो 6 है, तो पेपर नंबर 6 आपका जो रहेगा इसका वाला या फिर इलेक्टिव, उसमें आपको 3 दिन की छुट्टी मिली हुई है। 3 दिन की छुट्टी कौन कौन सी है? 10, 11 और 12। ये जो 3 दिन की छुट्टी है, ये 3 दिन की छुट्टी में से कम आपसे 1.5 दिन जो है वो डीटी के लिए लेने वाला हूं। कौन कौन सा 1.5 दिन लूंगा? एक तो 9th की इवनिंग, देखो 9th की इवनिंग और उसके साथ में 10th नवंबर। ये जो आपके पास 1 and 1.5 days रहेगा, that 1.5 days you have to do the direct text। और direct text में आप कौन से topic इस period में करोगे? तो मैं बता दूँ, direct text में आप इस period में ये जो 1.5 days रहेगा, उसमें आपको चालू करना है PGBP। आप PGBP करोगे, PGBP will be followed by the partnership firm, firm का taxation और firm के taxation के साथ में आप AOP BOI के कुछ questions रहेंगे, 3 or 4 questions, वो आप देख लोगे। उसके बाद में आपको लेना है इसी के साथ में मैट, एएमटी और एससीजेड। ये वाला जो पार्ट है, ये आप पहले से करके रखोगे। पेपर नंबर 6 जो दोगे उससे पहले आप डीटी का ये कर चुके होंगे, बिकॉज डीटी जो है वो बहुत ही वास्ट पेपर है और लास्ट में जाके रिवाइज नहीं होता है। तो पहले आप इतना रिवाइज करके रखो, पीजीबीपी, फर्म, एओपी, बीआई, मैट, एएमटी, एससीजेड, पूरा प्रैक्टिकल पार्ट है जिसको आप रिटेन करके ज्यादा टाइम तक रख सकते हो। अब आपका क्वेश्चन है आएगा, सर पीजीबीपी कैसे करें? तो पीजीबीपी आप कॉम्पैक्ट से फटाफट प्रोविजन पढ़ लो और प्रोविजन पढ़ने के बाद में कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन है वो आपको करने हैं, 7 to 8 क्वेश्चन। हर टॉपिक में आपको चार पांच क्वेश्चन आपको देखते जाना होगा। 7 से 8 क्वेश्चन है वो आपको यहां पे पीजीबीपी में करने हैं। फर्म के केस में आप 1-2 क्वेश्चन करोगे तो चलेगा, उसके बाद एओपी बीओआई में 2-3 क्वेश्चन है वो आपको करने हैं। उसके साथ में मैट में आपको 3-4 क्वेश्चन करने हैं, ज्यादा नहीं, लेकिन वो जो आपका मैट वाला वो जो क्वेश्चन है इंडियस कंप्लाइंट कंपनी वाला क्वेश्चन, उसको आप इग्नोर नहीं करके जाओगे, क्योंकि क्या होता है जब चीजें नहीं होती है तो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो हो सकता है इस बार भी एग्जाम में वापस आ जाए मैट इंडियस वाला पार्ट। मेरे को ऐसा क्यों लगता है इस बार एससीजेड और एएमटी वाला क्वेश्चन आएगा, एससीजेड और एएमटी वाला क्वेश्चन आएगा। तो इसके भी जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं कम से कम 3-4 क्वेश्चन है वो आप करके जाओगे। तो आपको मैं बताऊं, आपने पीजीबीपी, फर्म, एओपी, बीओआई, मैट, एएमटी, एससीजेड ये टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके होंगे जब आप पेपर नंबर 6 का एग्जाम देने जाओगे। 6 कब पढ़ना है? तो बेटा 11 और 12th और 13 का मॉर्निंग का टाइम 2 बजे से पहले, वो आपको सिर्फ 6th है, वो 6th पेपर है, वो ही आपको पढ़ना है। अब अपन बात कर रहे हैं 13 को, कि सर चलो 13 को हम आ गए, 13 नवंबर को एग्जाम देके आ गए, और एग्जाम देके आ गए सर, अब क्या करें? तो अब आप घर पे आने के बाद, क्योंकि पेपर भी आपका इलेक्टिव वाला है तो लेट खत्म होगा, 4 घंटे का पेपर है, घर पे आने के बाद सबसे पहले आप उठाओगे कैपिटल गेन, और कैपिटल गेन उठा लो, और कैपिटल गेन में जितनी भी सेक्शंस है वो आप एक बार गो थ्रू करोगे और उसके बाद उसके क्वेश्चन करोगे। कम से कम 5-6 क्वेश्चन है वो आपको कंपाइलर से देखने हैं। अब आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि सर लास्ट डे पे रिवाइज कैसे करें, हम कॉम्पैक्ट से रीड करें टेक्स्ट या फिर हम डायरेक्ट यूट्यूब से रिविजन लेक्चर सुने, आपकी मर्जी। अगर देखो आपको टेक्स्ट से फटाफट हो जाता है रीड करने से, तो आप डायरेक्टली रीड करो, लेकिन कभी कभी क्या होता है अगर आपको रिकॉल नहीं हो पा रहा और आपको टाइम लग रहा है तो सीधा यूट्यूब पे जाओ, वहां रिविजन लेक्चर फॉर May-November 2019 लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करो और प्लेलिस्ट में आपको 10 लेक्चर मिल जाएंगे और वो 10 लेक्चर है ऑलमोस्ट टॉपिक उसमें मैंने कवर किए हैं, तो वो सीधा सुनने के बाद सीधे क्वेश्चंस पे जा सकते हो, ये भी आपका स्ट्रेटेजी रह सकता है। सर कैपिटल गेन में क्या करना है? कैपिटल गेन ऑब्वियसली आपको पूरा टॉपिक देखना है और बहुत बार से इग्नोर हो रहा है ये टॉपिक, एग्जाम में इस बार आ सकता है। कैपिटल गेन में क्या क्या पार्ट है जिस पे ज्यादा फोकस करना है, एक चीज तो बता दूं, सेक्शन 112A इस बार क्वेश्चन निकलेगा एग्जाम में, अमेंडमेंट वाला पार्ट है तो क्वेश्चन निकलेगा, लास्ट टाइम नहीं निकला था, इस बार निकलेगा 112A वाला क्वेश्चन। और 112A के साथ में आपको जो भी सेक्शन 50C है, 56-10 जो IFOS का है और PGBP का 43C है, ये तीनों का कोरिलेशन ध्यान रखना है। और उसके साथ साथ में एक चीज ध्यान रखना है, ये तीनों सेक्शन में एक अमेंडमेंट हुई थी, वो 5% का टॉलरेंस बैंड, जो SDB और कंसिडरेशन के बीच में डिफरेंस और वो 5% का टॉलरेंस बैंड वाली जो अमेंडमेंट है, वो अमेंडमेंट एग्जाम में नहीं आई है, उसको इग्नोर नहीं करोगे, उसको आप देख के जाओगे। उसके साथ में
सेक्शन 50 बी जो स्लम सेल है, मैं हमेशा बोलता हूँ स्लम सेल आएगा, और इस बार मेरे को लग रहा है कि स्लम सेल का क्वेश्चन आपको मिलना चाहिए, तो स्लम सेल है वो 50 बी आप करके जाओगे। उसके साथ साथ में कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इनटू कैपिटल असेट, देखो कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड नहीं, इस बार हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि स्टॉक इन ट्रेड था उसको कैपिटल असेट में कन्वर्ट किया और फिर आपने बेच दिया, तो वो चीजें आपको ध्यान रखनी है। उसके साथ में अगर एग्जेम्पशन की बात करूं तो एग्जेम्पशन में 54F जो है वो देखोगे, उसके बाद 54EC देखोगे, क्योंकि ईसी में अमेंडमेंट था। सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचते हो और आप NHI, REC, PFCL या IRFCL के बॉन्ड खरीदते हो तो ये एग्जेम्पशन मिलती है। और पहले क्या था, एनी LTCA था, बट नाउ लास्ट इसी साल से चेंज हो गया, बाय फिनेंस एक्ट 2018 उन्होंने बोला था सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचोगे तो ही एग्जेम्पशन मिलेगी, तो 54EC देखोगे। और उसके साथ में 54GB जो है इस पे भी आप ध्यान दोगे, ये कैपिटल गेन में जो ध्यान देने वाली सेक्शन है, सेक्शन सब कर दिए हैं बट इस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दोगे तो उसी दिन करोगे जिस दिन आप पेपर 6 का एग्जाम देके आए हो। कैपिटल गेन के बाद आप चालू कर दोगे IFOS, और IFOS में 56210 वाला पार्ट है, वो 56210 वाला पार्ट देखोगे, और उसके साथ साथ में 56207B, ये 7B वो वाला कि क्लोजली हेल्ड कंपनी जो है वो शेयर इशू करती है प्रीमियम पे, और अगर वो प्रीमियम पे शेयर इशू करती है और इशू प्राइस माइनस FMV का डिफरेंस जो है वो डिफरेंस तुम्हारा FMV जो है वो FMV और से ज़्यादा अगर इशू प्राइस है तो, और प्रीमियम पे शेयर इशू होते हैं तो इशू प्राइस माइनस FMV है वो डिफरेंस IFOS में टैक्सेबल हो जाता है। और उससे रिलेटेड एक स्टार्टअप से रिलेटेड उसको कुछ एक्सेप्शंस थी, वो एक्सेप्शन से रिलेटेड मैंने अमेंडमेंट लेक्चर डाला हुआ है RTP का, वो भी आप चाहिए तो एक बार स्टार्टअप वाला देख लेना। तो IFOS के बाद में आप क्या करोगे, इसी दिन लिक्विडेशन भी कर दोगे, लिक्विडेशन वाला कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं, छोटा सा टॉपिक है लिक्विडेशन, और उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस रहेंगे वो आप देख लोगे। 222C वाला कोरिलेशन यहाँ पे होता है, तो 222C और लिक्विडेशन वाला कैपिटल गेन कैसे लगता है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कैसे निकालते हैं वो वाला पार्ट, और वहां पे एक रघु वाला क्वेश्चन दे रखा है, वो रघु वाला क्वेश्चन यहाँ पे देख के जाओगे। लिक्विडेशन के साथ में आप बायबैक कर जाओगे, और बायबैक में सबसे बढ़िया 115QA को इग्नोर नहीं करोगे, 115QA करके जाओगे, जो अनलिस्टेड शेयर का बायबैक होता है, इश्यू प्राइस जो है वो इश्यू प्राइस और बायबैक प्राइस के बीच के डिफरेंस पे 20% प्लस 12% और प्लस 4% की रेट से हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो 23% आता है, उतना टैक्स कंपनी को पे करना पड़ेगा, शेयर होल्डर के हाथ में कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा, वो ध्यान रखना। और बायबैक के जो रूल्स होते हैं ना वो रूल्स 40BB के रूल्स है, वो 40BB के रूल्स भी एक बार आप देख के जाना कुछ, जैसे कि लाइक बोनस इशू किया था तो उसका इशू प्राइस निल लेंगे, अगर ईसॉप दिया था तो उसको इशू प्राइस क्या लेंगे, अमलगमेटिंग कंपनी जो है उसके शेयर के बदले अमलगमेटेड कंपनी के शेयर इशू किए उसका इशू प्राइस क्या लेंगे, डीमर्जर वाले के केस में क्या होगा, किसी असेट के बदले शेयर इशू किए तो उसका इशू प्राइस क्या होगा, तो मैंने वो कुछ रूल्स कॉम्पैक्ट में दे रखे हैं, वो रूल्स को आप एक बार देख के जाओगे। ये आपका प्लानिंग रहेगा एग्जाम के दिन वाला, कौन सा एग्जाम, 13 नवंबर को इवनिंग में आओगे, भले लेट हो जाए बट इतना करने के बाद ही आपको सोना है। और PGBP आप ऑलरेडी पहले कर चुके हो, PGBP है, MAT है, AMT है, SEZ है, और फर्म AOPBY ऑलरेडी आप पहले कर चुके हो करके, ठीक है। चलो अब अपन बात करते हैं 14 नवंबर की, जिस दिन आपके पास पूरा दिन है, और दिन की शुरुआत किससे करोगे, दिन की शुरुआत आप करोगे उस दिन, मैं बताऊं फटाफट TDS TCS को निपटा दो, क्योंकि ये टॉपिक है ना बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज्यादा कवरेज करता है और ये टॉपिक को आप इग्नोर नहीं करोगे। और TDS TCS में आप एक चीज ध्यान रखना, TDS TCS में जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है 192A है, उसके बाद 194C है, 194J है, 194I है, 194IA है, 194IB है, 194IA है, 194IB है, 194DA है, 194E जो है, जो एंटरटेनर वगैरह वो नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन, रेफरी पे ये सेक्शन नहीं लगती ध्यान रखना, तो 194E है, और इसके बाद में 194DA आ गया, 194E आ गया, इतनी जो सेक्शंस है ये सेक्शंस पे आप ज्यादा फोकस करोगे। और उसके साथ में 2011A का जो इंटरेस्ट है, 2011A का इंटरेस्ट 1.5% एंड 1%, वो क्वेश्चन भी आप करके जाओगे। अब TDS TCS अगर आपको चाहिए तो सीधा आप रिवीजन लेक्चर देख सकते हो और उसके बाद सीधे क्वेश्चंस कर सकते हो, गो विद द रिवीजन लेक्चर, क्योंकि मैंने रिवीजन लेक्चर बहुत प्यारा डाला हुआ है, तो रिवीजन लेक्चर के बाद में और सीधे आप जितने भी क्वेश्चंस है उसमें से सेलेक्ट कर लो 7-8 अच्छे क्वेश्चंस और वो 7-8 अच्छे क्वेश्चंस करके चले जाओ। उसके बाद दूसरे पार्ट पे ले जाओ, TDS TCS के बाद, TDS TCS के बाद आप सेकेंड पार्ट पे जाओगे, दैट इज ट्रस्ट का टैक्स।
ट्रस्ट का टैक्सेशन, जो ट्रस्ट एनजीओ है वो ट्रस्ट का टैक्सेशन, और ट्रस्ट के साथ साथ में आपको एक्रिएटेड इनकम है वो आपको करना है। देखो ट्रस्ट वाला जो है वो आएगा ही, बड़ा क्वेश्चन आ सकता है आपका, 8 मार्क का क्वेश्चन आएगा, 8 मार्क का अभी वेटेज रहता है नॉर्मली, तो 8 मार्क का क्वेश्चन ट्रस्ट टैक्सेशन से निकल सकता है। एक्रिएटेड इनकम भी 4-5 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। अब एक चीज समझना, आप लोगों को एक एडवाइस देना चाहूंगा कि जो भी ओल्ड सिलेबस वाले हैं वो मई 2019 का न्यू सिलेबस का पेपर देख के जाएंगे, और जो भी न्यू सिलेबस वाले हैं वो मई 2019 का ओल्ड सिलेबस का पेपर देख के जाएंगे। ये एक्रिएटेड इनकम से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो मई 2019 में ओल्ड सिलेबस में आया था, तो हो सकता है इस बार ये न्यू सिलेबस में आ जाए, और ये स्वैपिंग हो रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चन, तो आप देख के जाओगे। तो एक्रिएटेड इनकम और ट्रस्ट का टैक्सेशन एक बार रीड कर लो फटाफट, और रीड करने के बाद में आप 4-5 बड़े बड़े क्वेश्चन है वो आप देख के जाओगे। उसके बाद ट्रस्ट टैक्सेशन हो गया, टीडीएस टीसीएस हो गया, उसके बाद सीधा चालू कर दो असेसमेंट प्रोसीजर, और असेसमेंट प्रोसीजर है उसके बाद अपील एंड रिविजन है, अपील एंड रिविजन है एंड सेटकॉम है, ये तुम्हारा सेटकॉम में सेटलमेंट कमीशन, ये तुम्हारा थोड़ा वो वाला पार्ट हो गया जो प्रोसीजरल पार्ट है करके, ठीक है। तो प्रोसीजरल पार्ट है, सुबह ऐसे भी 11-12 बज गए होंगे और 11-12 बजे आप ये कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लंच से पहले पहले ये कर लेना। अपील रिवीजन और असेसमेंट प्रोसीजर, अब एक बात समझना, यहां तो उसमें टेक्स्ट आप रीड करना और टेक्स्ट रीड करके 5-6 क्वेश्चन करना। अगर मान लो आप टेक्स्ट रीड करने में इसमें टाइम लग रहा है, रिकॉल नहीं हो रहा है, तो सीधा जाके रिविजन लेक्चर देखो और थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके और सुन के और सीधे क्वेश्चंस पे चले जाओ, सीधे आप क्वेश्चंस पे जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो अपील रिविजन और सेटकॉम हो गया, अपील रिविजन सेटकॉम करने के बाद खाना वाना खा लोगे, थोड़े टाइम के लिए आराम कर लोगे, और आराम करने के बाद फिर आप कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स है वो छोटे छोटे टॉपिक्स आप उठाओगे। सर कौन कौन से छोटे छोटे टॉपिक्स जो रह गए वो हमको उठाने हैं? देखो लंच के बाद आप कर सकते हो, एक तो तुम्हारा बिजनेस ट्रस्ट जो REIT और INVIT है, और इन्वेस्टमेंट फंड एंड सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, ये जो तीन टॉपिक है ये तीन टॉपिक आप करोगे, लेकिन इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मुझे लग रहा है बिजनेस ट्रस्ट और इन्वेस्टमेंट फंड। और इन्वेस्टमेंट फंड आज तक नहीं आया है, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, इन्वेस्टमेंट फंड से रिलेटेड आपको क्वेश्चन है वो मिल सकता है। इन्वेस्टमेंट फंड से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन दे रखा है मिसलेनियस, कंपाइलर में मिसलेनियस टॉपिक उठाओगे उसमें 4th क्वेश्चन या 5वां क्वेश्चन रहेगा, और बिजनेस ट्रस्ट से रिलेटेड भी आपको वहीं पर क्वेश्चन दे रखा है वो आप करोगे करके, ठीक है। तो बिजनेस ट्रस्ट और इन्वेस्टमेंट फंड है उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन करोगे, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट एक बार आप सिर्फ रीड कर लोगे। उसके बाद 5वें नंबर पे आप जो करने वाले हो अपनी बुक से, वो आप अपनी बुक से करने वाले हो, दैट इज द, ये छोटे छोटे टॉपिक है ना, पॉलिटिकल पार्टी है, इलेक्टोरल ट्रस्ट है, इस ये आप एक बार रीड करोगे 15 मिनट में रीड हो जाएगा। उसके बाद में ATP कोऑपरेटिव वाला टॉपिक है, कोऑपरेटिव वाला टॉपिक रीड करो और सीधा एक मिसलेनियस में टॉपिक दे रखा है वो टॉपिक आप से वहां से क्वेश्चन कर लो, एक क्वेश्चन दे रखा है मिसलेनियस में वो सीधा क्वेश्चन जाके आप कर लो। उसके बाद में आप क्या करोगे, देखो कुछ टॉपिक ऐसे है ना जिसके सीधे क्वेश्चन ही आपको करने चाहिए, उसके सीधे क्वेश्चन करो, एक तो क्लबिंग जो है उसके सीधे क्वेश्चन कर लो, एक सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड है उसके सीधे क्वेश्चन कर लो, तो क्लबिंग है, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड है, उसके बाद गार, इसके आप सीधे क्वेश्चन कर लो, डायरेक्टली आप क्वेश्चन पे जाओ और क्वेश्चन जो जो दे रखे वो क्वेश्चन कर लो। उसके बाद में तुम्हारा एडवांस टैक्स वाला, जो एडवांस टैक्स का इंटरेस्ट है 234 ABC का, एक बार उसको रीड कर लो और उसके बाद में एक क्वेश्चन दे रखा है वो क्वेश्चन आप कर लो करके, ठीक है। उसके बाद में डिडक्शन, जो डिडक्शन वाला टॉपिक है वो डिडक्शन के भी सीधे क्वेश्चन कर सकते हो, तो ये टॉपिक ऐसे है जिसके डायरेक्टली आप क्वेश्चन से जाके भिड़ सकते हो, और जितने भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आप देख लो, आपके टॉपिक है वो ऐसे भी कवर हो जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, तो उसके बाद 7 नंबर पे आपका जो रिमेनिंग पार्ट रहेगा, रिमेनिंग पार्ट में आप इस बार ये 269ST वाला पार्ट देख के जाओगे अच्छे से, 269ST से रिलेटेड चीजें पूछी जा सकती है। उसके बाद में इसका 269S है, 269T है, उसके बाद ये सेक्शन 68 है, 69A है, 69B है, 69C है, ये वाला पार्ट आप देख के जाओगे। और एक चीज ध्यान रखना, ये जो तुम्हारी डीम्ड इनकम होती है 68, 69 A, B, C, D, इसमें टैक्स रेट कौन सी लगती है, इसमें टैक्स रेट लगती है 60%, 60% की टैक्स रेट लगती है, उसमें सरचार्ज लगता है सीधा 25%, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, और ये 115BBE सेक्शन होता है, और 115BBE में सीधा 78% से इनकम टैक्सेबल होती है। तो ये वाला आप चीज ध्यान रख के जाओगे, ये तुम्हारा जो इंटरनेशनल टैक्सेशन वाला वॉल्यूम है उसमें मैंने दे रखा है 115BBE। उसके बाद में आप क्या करोगे, पेनल्टी पे चले जाओगे,
और जो पेनल्टी वाला टॉपिक है, देखो पेनल्टी में ज्यादा है वो ज्यादा आप क्वेश्चन पे फोकस करो, उधर भी तो मैं पेनल्टी के लिए भी क्वेश्चन ही लिख लेता। और पेनल्टी में क्वेश्चन में एक तो 270A जो एग्जामिनर का फेवरेट पेनल्टी होता है, अंडर रिपोर्टिंग मिस रिपोर्टिंग वाला, और उसके साथ साथ में एक वो तुम्हारा एसएफटी वाला पेनल्टी 500,000 रुपए वाला, वो अमेंडमेंट हुआ, पहले 100-500 हुआ करता था, बट नाउ इट इज 500 and 1000, सो देयर इज अमेंडमेंट इन एसएफटी वाला पेनल्टी। तो वो एसएफटी वाला पेनल्टी है वो आप एक बार देख लोगे। तो पेनल्टी में 270A देखोगे और एसएफटी वाला पेनल्टी देखोगे, और बाकी जो पेनल्टी के क्वेश्चन है वो डायरेक्टली आप क्वेश्चन आंसर है वो कंपाइलर से कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है तो आप लोग क्या करोगे, उसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है तो जो छोटे छोटे टॉपिक जैसे बच गए, लाइबिलिटी इन स्पेशल केसेस है, टनेज टैक्सेशन है और एग्रीकल्चर इनकम है, ये आप कर सकते हो। अब एक बात समझना, जिन लोगों के इलेक्टिव पेपर में इंटरनेशनल टैक्सेशन था, मैं उनके लिए बोल रहा हूं, तो उनके पास काफी टाइम उस दिन भी रहेगा, अभी भी आपके पास टाइम रहेगा, क्योंकि इंटरनेशनल टैक्सेशन पूरा आप 30 मार्क्स का उधर कर चुके हो, आप पीजीबीपी वगैरह वो भी आप बड़ा पोर्शन वहां पे कर चुके हो, तो आपके पास टाइम रहेगा। तो उनके लिए मैं बोलूंगा कि आप लोग एक बार सैलरी एंड हाउस प्रॉपर्टी का रिविजन लेक्चर सुन के जाना। ये रिविजन लेक्चर कहां पे दे रखा है, आप यूट्यूब पे जाओगे, और यूट्यूब पे जाने के बाद आप सीधा प्लेलिस्ट में जाओगे मेरे चैनल पे, और प्लेलिस्ट में इंटर के रिवीजन लेक्चर, और इंटर में वहां पे मैंने हाउस प्रॉपर्टी सैलरी का रिवीजन लेक्चर दे रखा है। तो एक बार आप उस रिवीजन लेक्चर को सुन के जाओगे, जो लोगों के इलेक्टिव में इंटरनेशनल टैक्सेशन था क्योंकि उनके पास टाइम है, बट जिन लोगों के इलेक्टिव में इंटरनेशनल टैक्सेशन नहीं था अभी, उनके लिए इंटरनेशनल टैक्सेशन करना बाकी रहेगा। तो आप लोग सीधा अब शाम को 4-5 बजे तक ये ऊपर वाला पार्ट सब हो जाना चाहिए, ये 5 बजे तक ऊपर वाला पार्ट सब हो जाना चाहिए, उसके बाद आप लग जाओगे इंटरनेशनल टैक्सेशन में। और इंटरनेशनल टैक्सेशन में आपको क्या क्या करना है, ऑब्वियसली यू विल स्टार्ट विद द DTAA। अब DTAA में ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, 2 क्वेश्चन करो, वो क्वेश्चन नंबर 6 या 7 करके जो है विकास वाला, वो क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन है, उसमें आप देखोगे तो आपको रिबेट वगैरह सीख जाएगा। तो आप एक काम करो, सीधा DTAA पे चले जाओ, उसके बाद आप ट्रांसफर प्राइसिंग। अब एक बात समझना, ट्रांसफर प्राइसिंग वाला जो पार्ट है, वो ट्रांसफर प्राइसिंग वाले पार्ट के लिए मैं ये एडवाइस करूंगा, बुक के साथ साथ आप रिविजन लेक्चर देख सकते हो। इंटरनेशनल टैक्सेशन Paper-7 के लिए मैंने रिवीजन लेक्चर डाला हुआ है यूट्यूब पे, रिवीजन लेक्चर नंबर 9 और 10 है, ये इंटरनेशनल टैक्सेशन से है, तो वो दो सीधे रिवीजन लेक्चर देख के आप क्वेश्चंस कर सकते हो। बट ट्रांसफर प्राइसिंग में एक चीज ध्यान रखना, एक तो सेकेंडरी एडजस्टमेंट 92CE वाला है, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, वो अमेंडमेंट वाला है, और वो ध्यान रखना आप। उसके साथ साथ में आपको जो 94B का जो इंटरेस्ट है, वो 30% वाला, वो 30% वाला इंटरेस्ट है, वो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में जो अप्पा वाला है, एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट, वो एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट आपको याद रखना है, और इस बार के लिए कप मेथड और कॉस्ट प्लस मेथड करके जो है, ये आपको ट्रांसफर प्राइसिंग में थोड़ा ध्यान रख के अच्छे से करके जाना है। और सेफ हार्बर रूल है, वो एक बार रिवीजन लेक्चर से ही सुन लो, जो सेफ हार्बर रूल है वो सीधा रिवीजन लेक्चर से सुन लो, अगर कोई एमसीक्यूज वगैरह में आ जाए तो आपको ध्यान रह जाए, रिवीजन लेक्चर से आप सुन लेना सेफ हार्बर रूल्स। उसके बाद में ट्रांसफर प्राइसिंग के बाद में आप एनआरआई टैक्सेशन, एनआर और एनआरआई टैक्सेशन पे जाओगे, और एनआर एनआरआई के बाद में जब भी आप इसमें रेसिडेंशियल स्टेटस वाला पार्ट करोगे, तो रेसिडेंशियल स्टेटस वाले पार्ट में एक चीज ध्यान रखना, पोयम वाला कुछ पार्ट करके जाना, बिकॉज ऐसा एग्जाम में मेरे को लग रहा है कि पोयम से क्वेश्चन बन सकता है। जो पोयम वाला पार्ट है, पोयम की जो गाइडलाइंस है उसमें ABOI टेस्ट वगैरह जो है, मेजोरिटी बोर्ड मीटिंग इंडिया के बाहर होती है, वो वाला पार्ट है, वो आप करके जाओगे इंटरनेशनल टैक्सेशन में। और इंटरनेशनल टैक्सेशन में जो न्यू सिलेबस वाले हैं, वो तीन टॉपिक कौन सा, मॉडल टैक्स कन्वेंशन, टैक्स ट्रीटी और तुम्हारा बेप्स वाला, उसके सीधे क्वेश्चंस देख लोगे तो चलेगा। आप उसके सीधे क्वेश्चंस पे आप अगर जाके भिड़ोगे और सीधे क्वेश्चंस आप कर लोगे तो चलेगा, क्योंकि उसका वेटेज है वो 5 मार्क के करीब है, तो 5 मार्क वो तीनों टॉपिक में से आपको मिल सकते हैं, तो सीधे आप क्वेश्चंस पे जा सकते हो। तो DTAA हो गया, ट्रांसफर प्राइसिंग हो गया, एनआर एनआरआई का टैक्सेशन हो गया, रेसिडेंशियल स्टेटस हो गया, उसके बाद इक्वलाइजेशन लेवी। अब इक्वलाइजेशन लेवी जो है, वो इक्वलाइजेशन लेवी से रिलेटेड छोटा सा क्वेश्चन बनता है, तो आप उसको देख के जाओगे। और एक चीज ध्यान रखना, इक्वलाइजेशन लेवी के जितनी भी सेक्शन है वो फिनेंस एक्ट की सेक्शन है, इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन नहीं है, तो लिखते टाइम अगर आप कहीं लिखते हो सेक्शन 167 ऑफ द फिनेंस एक्ट 2016 लिखोगे, ना कि इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये बात हो गई उस दिन की जिस दिन आपके लिए छुट्टी है, और ये करने की जरूरत नहीं है इलेक्टिव वालों को, क्योंकि इलेक्टिव वाले ऑलरेडी बहुत ढंग से ऊपर करके आगे होंगे, तो उनको ये वाला पार्ट करने की जरूरत नहीं, बट आप लोगों को ये करने की जरूरत है जिन्होंने इलेक्टिव नहीं लिया। ये इस दिन का प्लानिंग हो गया 14th का। अब एक बात बताओ, बात आ गई एग्जाम डे की, दैट इज 15th नवंबर, जिस दिन अपन सुबह सुबह उठेंगे और सबसे पहले आप केस लॉस करोगे। आप केस लॉस देख के जाओगे, सर केस लॉस कौन कौन से देखने हैं, तो मैं बता दूं केस लॉस में 20 तो नए केस लॉ, 20 जो है वो न्यू केस लॉस है वो आप देखोगे,
20, ये तो आप ढंग से करके जाना, क्योंकि केस लॉ का वेटेज आपका अप्रोक्स 8 मार्क के करीब है, 8 मार्क्स है वो, 8 मार्क्स केस लॉ से आते हैं, आउट ऑफ दैट मुझे ये लगता है कि 4 मार्क्स तो उस 20 मार्क्स 20 जो केस लॉज है उसमें से कवर कर जाएंगे। उसके बाद आपके पास टाइम मिलता है तो जो भी तुमको 2018 के केस लॉज दिखते हैं, 2017 के दिखते हैं और 2016 के दिखते हैं आपकी बुक में, तो कॉम्पैक्ट में 2016, 2017, 2018 के केस लॉज दिखते हैं वो एक बार कर लो, और जो 20 न्यू केस लॉ है वो आप एक बार कर लो। उसके बाद में मॉर्निंग में आप क्या करोगे, मॉर्निंग में आप मॉक टेस्ट पेपर है वो देख के जाओगे, आरटीपी देख के जाओगे, मॉक टेस्ट पेपर और आरटीपी है ये आप देख के जाओगे, और ओल्ड सिलेबस वाले न्यू सिलेबस का पेपर मई 2019 का है, न्यू सिलेबस वाले ओल्ड सिलेबस का पेपर मई 2019 का है वो भी आप देख के जाओगे। उसके साथ साथ में सर एमसीक्यूज में हम क्या करें, तो मैं बता दूं एमसीक्यूज में ज़्यादा दिमाग आपको लगाने की जरूरत नहीं है, आप एक काम करो आईसीआई के 4 सेट जो दे रखे हैं, फोर सेट्स आईसीआई के 4 सेट और मॉक टेस्ट पेपर नवंबर 19 वाला, उसके जो एमसीक्यूज है 20 एमसीक्यूज मॉक टेस्ट पेपर में दे रखे हैं, उसके साथ साथ में आपको जो आरटीपी मई वाला अगर मिल जाता है तो वो भी, और नवंबर वाला, मई नवंबर 2019 का आरटीपी में जो एमसीक्यूज है ये आपको एमसीक्यूज फटाफट देख के जाना है, बिकॉज बहुत बार हो सकता है एज इट इज एमसीक्यूज रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम के एग्जाम में ऑडिट वगैरह में 5-6 एमसीक्यूज एज इट इज वही वाले आ चुके थे जो ऑलरेडी आईसीआई ने दे रखे, तो ये आपको करके जाना है, ठीक है। सो ये आपका, और उसके बाद में लास्ट में एक बार अमेंडमेंट वाला पार्ट, जो जो आप कॉम्पैक्ट को घुमाओगे उसमें जहां जहां ग्रीन कलर से कुछ लिखा हुआ है तो दैट इज द अमेंडमेंट पार्ट, वो अमेंडमेंट पार्ट एक बार आप करके जाओगे और अमेंडमेंट पार्ट देख के और फिर आप एग्जाम के लिए एंटर कर जाओगे। और मैं बताऊं एग्जाम में पैनिक होने की जरूरत नहीं, पेपर ईजी आएगा, पेपर मैनेजेबल आएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। एक चीज ध्यान रखना, अगर पेपर डिफिकल्ट है तो पूरे इंडिया के लिए डिफिकल्ट है, और पेपर ईजी है तो सबके लिए ईजी है, और अगर डिफिकल्ट है तो उसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आराम से कूल माइंड से पानी पी के और ठंडे दिमाग से आप लिखोगे, और जब आप ठंडे दिमाग से लिखते हो तो आराम से आप पास हो जाओगे, डोंट वरी अबाउट दैट। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, एग्जाम में जितना हो सके उतनी मेहनत कर लो, और मैं बताऊं कुछ ही तो दिन है 8-10 दिन तो पढ़ना है, उसके बाद तो अपन आजाद है करके, ठीक है, और उसके बाद तो आजाद है, आराम से मजे कर सकते हैं, बहुत सारे मजे कर सकते हैं। सो गाइज सी यू एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, जब भी सीए बनोगे ऑब्वियसली हम लोग मिलेंगे, सो गिव योर बेस्ट एंड गिव योर 100% और बहुत अच्छे से एग्जाम दो। थैंक्स अ लॉट पीपल, आज के लिए इतना बहुत है।